Assalamualaikum, मेरा नाम सुंदस है और मैं ZMC की स्टूडेंट हूँ और मेडिको 360 की कोऑर्डिनेटर हूँ और आज मैं जो बोन डिस्कस करने जा रही हूँ वो है स्कैपुला। अब हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन करेंगे। स्कैपुला का जो लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर वो थिक है और उसके सुपीरियर सुपीरियरली एक एंगल लाई करता है जिसे हम ग्लिनोइड एंगल कहते हैं, जो कि ग्लिनोइड कैविटी और इसके इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल के सेंटर में लाई करता है। ठीक, इसके बाद स्कैपुला की टू सर्फेसिस हैं, डोर्सल सर्फेस और कोस्टल सर्फेस। डोर्सल सर्फेस जो है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक ट्राइंगुलर प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट को सुप्रा स्पाइनस फोसा और नीचे वाले पार्ट को इंफ्रा स्पाइनस फोसा कहते हैं। इसकी दूसरी सरफेस कोस्टल सरफेस है, जो कि कनकेव है। ये आ जाता है इसका लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर ठीक है और ये हमारे लेटरल साइड पर लाई करता है। इससे ये पता चला कि ये हमारे लेफ्ट साइड की स्कैपुला है। अब हम इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे। फीचर्स को हम फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सरफेसेस, बॉर्डर्स, प्रोसेसेस एंड एंगल्स। स्कैपुला की टू सर्फेसिस हैं, एक इसकी डोर्सल सर्फेस है और इसकी कोस्टल सर्फेस है। डोर्सल सर्फेस जो है उसको स्पाइनस प्रोसेस टू पार्ट्स में डिवाइड करती थी, सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा, और ये कन्वेक्स है। इसकी कोस्टल सर्फेस जो है वो कनकेव है और उसके अंदर कन्वेक्स चेस्ट वॉल जो है वो फिट होती है। जो हमारी कोस्टल सर्फेस है उसके अंदर थ्री रिजेस हैं। उसकी एक रिज जो है वो लेटरल बॉर्डर जो है उसके साथ आके ज्वाइन होती है। अब हम इसके एंगल डिस्कस कर रहे हैं। इसके थ्री एंगल्स हैं, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल। सुपीरियर एंगल जो है उसको ट्रेपीजियस कवर कर रहा है, जो इन्फीरियर एंगल है उसको लैटिसिमस डोर्साई कवर कर रहा है, और जो लेटरल एंगल है वो लार्ज है और वो बियर करता है ग्लिनोइड कैविटी को। अब हम इसके स्कैपुला के बॉर्डर्स डिस्कस करेंगे। इसके थ्री बॉर्डर्स हैं, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर जो है वो स्मॉल होता है एंड थिन होता है और सुपीरियरली लाई करता है। मीडियल बॉर्डर जो है वो थिन होता है और सुपीरियर एंगल और इन्फीरियर एंगल के दरमियान में प्रेजेंट होता है। लेटरल बॉर्डर जो है वो थिक होता है और वो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल और इन्फीरियर एंगल के दरमियान में लाई करता है। अब हम इसकी प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। इसकी थ्री प्रोसेसेस हैं, स्पाइनस प्रोसेस जो कि ट्राइंगुलर है, एक्रोमियन प्रोसेस जो कि उसकी स्पाइनस प्रोसेस की कंटिन्यूशन से बनता है, और कोराकोइड जो कि क्रोज बीक लाइक है और ये एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस से बनता है। हमारी जो स्पाइनस प्रोसेस है उसकी टू सर्फेसिस हैं एंड थ्री बॉर्डर्स हैं। ये इसकी सुपीरियर सर्फेस है, ये इंफीरियर सर्फेस, ये पोस्टीरियर बॉर्डर, ये इंटीरियर बॉर्डर और ये लेटरल बॉर्डर। स्पाइनस प्रोसेस की पोस्टीरियर बॉर्डर जो है उसको हम टू लिप्स में डिवाइड करते हैं। ये क्रेस्ट शेप होता है, ये लोअर क्रेस्ट, ये अपर क्रेस्ट। ठीक, एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूशन ऑफ स्पाइनस प्रोसेस से बनता है। इसकी टू सर्फेसिस होती हैं एंड टू बॉर्डर्स होते हैं, सुपीरियर सर्फेस, इन्फीरियर सर्फेस, लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। कोराकोइड प्रोसेस जो है इसके टू बॉर्डर्स होते हैं, जो एक्रोमियन की तरफ है वो लेटरल बॉर्डर है और जो इस साइड पर है वो मीडियल बॉर्डर है। अब हम इसकी अटैचमेंट्स करेंगे। सबसे पहले हम सर्फेसिस के अटैचमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इसकी डोर्सल सर्फेस जो है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था स्पाइनस प्रोसेस के थ्रू। इसका जो सुप्रा स्पाइनस फोसा है वहाँ से सुप्रा स्पाइनेटस मसल अराइज होता है। मीडियल टू थर्ड ऑफ द सुप्रा स्पाइनस फोसा से सुप्रा स्पाइनेटस मसल अराइज होता है।
इंफीरियर इंफ्रास्पाइनस फोसा के मीडियल 2/3 से इंफ्रास्पाइनेटस मसल अराइज होता है। इसकी कोस्टल सरफेस जो है उसके मीडियल 2/3 पार्ट से सब स्कैपुलर मसल अराइज होता है जो कि मल्टीपिनेट मसल है। अब हम बॉर्डर्स के अटैचमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेटरल बॉर्डर जो कि ठीक है, उसके ऊपर ग्लिनॉइड कैविटी लाई करती है। उसके ऊपर सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल है ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर, और नीचे इंफ्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल। सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल जो है उसके ऊपर बाइसेप ब्रेकाई का लॉन्ग हेड जो है वो ओरिजिन दे रहा है, और इंफ्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल के ऊपर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई जो है वो अटैच हो रहा है। फिर लेटरल बॉर्डर जो है, लेटरल बॉर्डर के फर्स्ट 2/3 पार्ट जो है, फर्स्ट 2/3 पार्ट ऑफ लेटरल बॉर्डर, यहाँ पर टेरिस माइनर आगे 2 स्लिप्स में अटैच होता है, और इसके दरमियान से सर्कम स्कैपुलर आर्टरी पास कर रही है। लोअर 1/3 पार्ट जो है उस पर टेरिस मेजर अटैच हो रहा है। फिर आ जाता है लेटरल बॉर्डर जो है, उसके एंड पर इंफीरियर एंगल आता है जिसको लेटिसिमस डोर्साई कवर कर रहा है। इनर बॉर्डर जो है, स्पीरियर बॉर्डर जो कि थिन है, उसके ऊपर इंफीरियर पार्ट ऑफ द ओमोहॉइड, इंफीरियर वैली ऑफ द ओमोहॉइड मसल वो आके अटैच होती है। इसके बाद हमारी मीडियल बॉर्डर आ जाता है। मीडियल बॉर्डर जो है उसके डोर्सल सरफेस पे 2 मसल्स आके अटैच करते हैं। स्पीरियर एंगल से रूट ऑफ स्पाइन तक लिवेटर स्कैपुला अटैच होता है। रूट ऑफ स्पाइन से लेकर मीडियल बॉर्डर जो है उस पे रोम्बोइड माइनर आके अटैच होता है, और इंफीरियर एंगल पे रोम्बोइड मेजर आके अटैच होता है। फिर हम मीडियल बॉर्डर की कोस्टल सरफेस की बात करेंगे। मीडियल बॉर्डर की कोस्टल सरफेस पे सिलेटस इंडीडर 8 डिजिटेशंस देता है। फर्स्ट डिजिटेशन जो है वो स्पीरियर एंगल से रूट ऑफ स्पाइन तक होती है, और 2 डिजिटेशन जो है वो मीडियल बॉर्डर पे होती है, और 5 डिजिटेशन जो बाकी रह जाती है वो इंफीरियर एंगल पे आके अटैच होती है। अब हम प्रोसेसेस के अटैचमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी स्पाइनस प्रोसेस आ रही है। स्पाइनस प्रोसेस का जो पोस्टीरियर बॉर्डर था उसको हमने 2 लिप्स में डिवाइड किया था, अपर लिप एंड द लोअर लिप। अपर लिप पर आके ट्रैबीसियस अपनी इंसर्शन दे रहा है, लोअर लिप पर डेल्टॉइड ओरिजिन दे रहा है। फिर हमारा एक्रोमेन प्रोसेस आ जाता है। एक्रोमेन प्रोसेस जो है इसके यहाँ पे एक फेसेट होता है जो कि आर्टिकुलर सर्फेस है, और वो क्लेविकल के साथ ज्वाइंट बनाता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। इसके मार्जिन्स को एक्रोमियो क्लेविकुलर कैप्सूल जो है वो सराउंड करता है। इसके बाद आ जाती है हमारी कोरोकेट प्रोसेस। कोरोकेट प्रोसेस जो है उसकी लेटर सरफेस पे बाइसेप ब्रेकाई जो है उसका शॉर्ट हेड जो है वो अटैच होता है, और उसकी टिप की मीडियल साइड पर कोरेको ब्रेकियलस आगे अटैच होता है। इसके स्पीयर सरफेस पे पेक्टोरलिस माइनर आगे अटैच होता है, और फिर यहाँ पर कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट्स इसके ट्रेपेजॉइड पार्ट जो कि इसके स्पीरियर सरफेस पे, और इसके कोनॉइड पार्ट जो कि रूट पर आकर अटैच होता है। इसकी स्पीरियर सरफेस पे पेक्टोरलिस माइनर आके अटैच होता है। इसके बाद कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट जो है वो इसके ट्रेपेजॉइड पार्ट और कोनॉइड पार्ट पर आके अटैच होता है। ट्रेपेजॉइड पार्ट स्पीरियर साइड पर होता है, और कोनॉइड पार्ट जो है वो रूट वाली साइड पर होता है। और इसकी रूट पर, रूट ऑफ द कोरोकेट प्रोसेस पे कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट आके अटैच होता है। प्रोसेस और कोरोकेट प्रोसेस जो है वो एक दूसरे के साथ कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट के थ्रू अटैच होते हैं। कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट जो है वो एक्रोमिया की मीडियल साइड पे और कोरोकेट की लेटर साइड पे आके अटैच होता है। हमारी ग्लिनॉइड कैविटी है जो लेटर साइड पर होती है, ये हमारी ह्यूमरस के साथ ज्वाइंट बनाती है, शोल्डर ज्वाइंट बनाती है। इसके जो मार्जिन है वो कैप्सूल ऑफ शोल्डर के साथ अटैच होते हैं। इसके साथ अटैचमेंट देते हैं ग्लिनॉइड लेब्रम को। फिर हमारी जो स्पीरियर बॉर्डर है, इसके रूट ऑफ स्पाइन और स्पीरियर बॉर्डर के ऊपर रूट ऑफ स्पाइन की रूट पर यहाँ पे एक नोज होता है, इसको हम कहते हैं सुप्रास्कैपुलर नोज। इस नोज के ऊपर से सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट पास करता है, और इसको फोरामेन में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इसके अंदर से सुप्रास्कैपुलर नर्व्स पास करती है, और इसके ऊपर से, फोरामेन के ऊपर से सुप्रास्कैपुलर वेसल्स पास करती है।
यहाँ पे हमारे ग्लिनॉइड और इकोनॉमिक प्रोसेस जो है इसके सेंटर में एक नोच है जिसे हम कहते हैं स्पाइनोग्लिनॉइड नोच। स्पाइनोग्लिनॉइड नोच जो है यहाँ से स्पाइनोग्लिनॉइड लिगामेंट जो है वो पास करता है और इसको भी फोरमेन में कन्वर्ट कर देता है। इसके अंदर से सुप्रा स्कैपुलर आर्टरीज, वेसल्स एंड ऑल द नर्व्स जो है वो पास करती हैं। स्पाइनस प्रोसेस की रूट और ग्लिनॉइड कैविटी जो है उसके दरमियान में एक नोच है जिसे हम स्पाइनोग्लिनॉइड नोच कहते हैं। इसके ऊपर से स्पाइनोग्लिनॉइड लिगामेंट पास करता है और इसको फोरमेन में चेंज कर देता है। इसके अंदर से सुप्रा स्कैपुलर वेसल्स एंड नर्व्स पास करती है। आज हमने स्कैपुला के फीचर्स, साइड डिटरमिनेशन और इसके अटैचमेंट्स डिस्कस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।